हमारे उन शहदा को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारे लिए और इस मुल्क के लिए जिन्होंने जाने नछावर किए, जिन्होंने शहादतें दी और उन शहादतों और कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस मुल्क अमल किए या फिर पूरा दुनिया किए तो शहीदान अल्लाह जन्नत के दोस्त को ऐसी और परिवारवेंट बांधे तास्ता बाजाई साहब का तफसील वर्जा वे दल नूर खलगो खबर व कवला फिर बलूचिस्तान इतना वसी वारी सुबह है कि गवादर से लेकर जोब तक जिसमें कोई कोई सात इकोलॉजिकल जोन्स है, क्लाइमेटिक जोन्स है और हर जोन के फिर अपने मसले हैं। स्पेशली एनवायरमेंट के हवाले से जो हमारी दो तीन मीटिंग्स हुए हैं, ये कैसे डिसिप्लिन है और इसके जरिए अपने इलाके में, अपने मुल्क में, अपने सूबे में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और जहाँ मैं काम करता हूँ यानी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस हवाले से काम किया गया। जब से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया है हमारे लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, हमारे लाखों लोग जख्मी भी हुए हैं इस मुल्क और वतन के दिफा के लिए और उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जो माहौलियात हैं और माहौलियात में मुख्तलिफ हम जैसे इदारों के हमारी गवर्नमेंट के साथ जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, मैं थोड़ा उस पर पहले BRSP के हवाले से बात करूँगा और फिर जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है उनके किरदार के हवाले से बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें माहौलियात की तो बलूचिस्तान के शायद BRSP के बारे में आप बहुत सारे दोस्त जानते होंगे। बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त बलूचिस्तान के 32 अजला में से 25 अजला में मौजूद हैं। 7 अजला के अंदर हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन NRSP काम कर रही है, 25 अजला में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारा जो काम है वो बेसिकली है गाँव देहातों लेवल पे। हमारा काम ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि एक गरीब अपने पाँव पर खड़ा कैसे हो सकता है।